अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। ठीक है जी, इसमें ये फॉल्ट है कि जब हम इसको वीडियो देते हैं उस वक्त ये वीडियो देने से पहले ये इसका दोनों तरफ से ये साइज़ कम है। ठीक है जी, और तस्वीर भी लंबी है साइज़ में। जब हम इसको वीडियो देते हैं आडी वीडियो पर लगा कर, उस वक्त इसमें ये लहरें आ जाती हैं, इसमें वीडियो नहीं आती। ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जी। अब मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, ये 17 इंच का टीवी है, इसमें ये 3631 लगाया गया है। ये वाला इसे अब हम इसका वोल्ट चेक करते हैं। वोल्ट चेक करने के बाद चेक करते हैं इसमें कौन से हिस्से में ये फॉल्ट आ रहा है। ये इसके मैंने सभी ग्रिप उतार दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं किट को उल्टा करने लगा हूँ। बाज़ार तो इसकी किट बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा, ना कहीं से ब्रेक है और ना ही कोई और कुछ मसला नज़र आ रहा है। अब हम इसको वोल्ट देकर चेक करते हैं। ये इसको मैंने अलहदा दो वायर लगा दी हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ये इसके 110 वोल्ट चेक कर, ये 110 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ठीक है जी, इसके नीचे ये 26 वोल्ट आ रहे हैं, उसके नीचे ये 11 वोल्ट आ रहे हैं, इसके नीचे ये 14.9 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके चैनल की पिन पर ये वोल्ट आ रहे, इस पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके जो गन्ने के वोल्ट जाते हैं ऊपर बेस के ऊपर, ये 9 वोल्ट आ रहे हैं। ये एक गन पर, ये दूसरी पर और ये तीसरी पर, ये तीनों गनों पर वोल्ट आ रहे हैं बराबर। ठीक है जी, ये इसके वोल्ट तो आ रहे हैं, ये इसके बेस पर वोल्ट, ये छोटा ट्रांसफार्मर होता है चोट को ट्रांसफर को ऑन करने के लिए, ये भी ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी वीडियो नहीं आ रही। हम इसको पहले इसका ये वाला जो जंगल आईसी है, जंगल और सिस्टम ये दोनों है, इसको अच्छी तरह से वॉश करके देख लेते हैं क्या इससे हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता है इसको वॉश करने से, या ये कर लेते हैं इसको। ऐसा भी करने से मैंने पहले एक दो फॉल्ट निकाले हैं, यहाँ पर अगर कार्बन बन जाए तो फिर ये ऐसे ही हरकत करते हैं। अब मैं इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या इससे हमारा ये फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ। आइस को वाश वूश करने पर भी ये फॉल्ट दूर नहीं हो रहा। अब ये इसका मैं आईसी चेंज करने लगा हूँ 3631, क्योंकि ये फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ वैसा ही है, इसके लाइट थोड़ी सी तेज़ की है। अब आप फ्रंट से दिखाता हूँ, ये अब आप देख सकते हैं इसमें वीडियो भी आ रही है, लेकिन वीडियो के ये लहरें आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसका अब ये जंगल आईसी चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या करता है, क्योंकि इसका जंगल और सिस्टम, ये वाला आईसी जंगल और सिस्टम दोनों की जगह पे काम करता है, इसमें सिस्टम भी है और जंगल भी है इस आईसी में। ये अब मैं इसका चेंज करने लगा हूँ। इसका मैंने सोल्डर इसका ओपन कर लिया है, ये अब इसका मैं आईसी निकालने लगा हूँ। ठीक है जी, ये अब मैंने इसका आइस निकाल दिया है, अब इसमें और मैं आइस लगाने लगा।
ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये आईसी अब लगाना है, ठीक है जी। ये वाला आईसी अब मैं लगाने लगा, जो पहले निकाला वो ये वाला है, ठीक है जी। जो पहले निकाला वो ये वाला है, अब मैं ये वाला लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने आईसी इसमें फिटिंग कर दिया है, अब मैं इसको सोल्डिंग करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी मुकम्मल तौर पर सोल्ड कर दिया है, ठीक है जी। अब इसको वोल्टेज दे के चेक करते हैं क्या ये हमारा इससे फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं दूर हुआ आईसी लगाने पर। ये भाई जान अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ पूरे हो चुके हैं, पहले इसमें दोनों तरफ ये काम थे इधर से, ठीक है, इधर भी काम था और इधर भी काम था, अब ये पूरी है। इसमें आप ये देख लें आईसी नए लगाने पर ये इसकी लैंग्वेज भी चेंज है, ये आप लैंग्वेज इंग्लिश कर दी है। उसके बाद ये इसका साउंड सिस्टम ये आप देख सकते हैं 6.5 है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 5.5 चलता है बीजिक जिसे कहते हैं। ये अब हमने इसकी फैक्ट्री को ओपन करना है, उसके बाद ये इसका ऑप्शन हम चेंज करने लगेंगे। ये सेटअप सिलेक्ट इसको आगे 0 है, इसको अगर हम 1 करेंगे तो इसके आगे ये 3 से 4 स्टेप जाएंगे, वरना ये दोबारा फिर 0 पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये अब मैं एक करने लगा हूँ, इसके आगे ये अब हमारा सर्कल मुकम्मल तौर पर चलने लगा है। ये इसका ऑप्शन 0 पे है, ये मैंने अब इसको 1 पे कर देना है और इसको 0 पे कर देना है, ये नीचे भी 0, क्योंकि इसके बाकी सभी इसके ऑप्शन ख़त्म करने का मकसद ये है, क्योंकि सिर्फ इसका ये 5.5 वाला जो ऑप्शन ओपन है ना, सिर्फ यहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इसका साउंड का कोई प्रॉब्लम दोबारा बने ही नहीं। जब हम ट्यूनर लगाने लगे तो जब भी ट्यूनर लगे सिर्फ 5.5 ही होगा, आवाज़ का इसका प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसका ये फ़ायदा है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अब ये जो 6.0 या 6.5 था वो अब नहीं आ रहा, वो हमेशा के लिए नहीं आएगा। ये अब मैं इसकी सर्चिंग करने लगा हूँ, ये अब आप देख सकते हैं ये चैनल उठाने लगा है, ठीक है जी। और ये इसकी आवाज़ भी आ रही है, ये अब इसकी आवाज़ आने लगी। मैं इसको ऑडियो वीडियो डिश करके करने लगा हूँ, बड़ी तादाद में कश्मीर की इसकी आवाज़ भी आ रही है। ये इसके थोड़ा सा कम ही है, मैं इसके फैक्ट्री से ये नीचे करने लगा हूँ। और उनका यही मुतालिबा है कि कश्मीरियों पर जो कर्फ्यू का निफाज किया गया है, जिसको 42 दिन हो चुके हैं, उसको फौरी खत्म किया जाए, उस कर्फ्यू को उठाया जाए और वहाँ पर जो जुल्म वस्तुतन किया जा रहा है निहत्ते कश्मीरियों पर मोदी हुकूमत की जानिब से, उसको भी फौरी तौर पर बंद किया जाए और इंसानियत दोस्त मजालिम का सिलसिला बंद हो। और ये भी इन मुजाहिदीन ने मुतालिबा किया कि सारी सूरत हाल में ये अब हमारी हर तरह से तस्वीर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों पर अब ये जो जुल्म खत्म हो रहे हैं इसको मोदी हुकूमत जितना भी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। लगा लें या फिर मसीह।